चांद पर चंद्रयान 3 को मिली चुनौती। रूस भारत के बीच पहले पहुंचने की होड़। कौन चांद पर पहले पहुंचेगा? चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने वाला है। इधर रूस ने भी 47 साल बाद अपना अंतरिक्ष यान लूना 25 को चांद पर भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चांद पर भारत का चंद्रयान पहले पहुंचेगा या रूस का लूना 25? आखिर भारत को चांद पर पहुंचने में 23 दिन क्यों लग रहे हैं, जबकि रूस मात्र 5 दिन में ही चांद पर पहुंच जाएगा? इस बीच हमें जानना जरूरी है कि आखिर लूना 25 क्या है, रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से क्यों अलग है। चंद्रयान 3 की कुल लागत 615 करोड़ रुपए से कम है, जो एक सामान्य हॉलीवुड फिल्म के बजट से काफी कम है। इस बीच रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर अपने लूना 25 मिशन के कुल बजट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी लागत चंद्रयान से काफी ज्यादा है। लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग डेट्स में करीब 1 महीने का फर्क है, लेकिन लैंडिंग लगभग एक ही समय पर होने वाली है। अब सवाल उठता है कि लूना में ऐसा क्या है जो इसने इसरो को पीछे छोड़ दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों रूस, चीन और अमेरिका के विपरीत भारत चंद्रमा की सीधी यात्रा की योजना नहीं बनाता है। इसके बजाय ये चरण में चलता है जो 40 दिनों तक चलता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होती है। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्रयान मिशन सस्ता है क्योंकि उसने चंद्रयान को सीधे चांद पर नहीं भेजा है। एक निश्चित दूरी के बाद चंद्रयान को आगे की यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। चीन हो या रूस, इनके सभी पुराने मिशन 2 से 4 दिन में पहुंच गए। सभी में जंबो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। चीन और अमेरिका 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500 से 600 करोड़ में लॉन्च होता है। इसके साथ ही इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जा सके। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी महज 4 दिन की ही है। चंद्रयान में ईंधन की मात्रा सीमित है और अगर हम इसे सीधे चंद्रमा पर भेजेंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इसी दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझें तो यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे फेंका जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। लेकिन लूना 25 की बात करें तो लूना को लॉन्च करने के लिए सोयुज 2 फ्रिगेट बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है। ये इस मिशन की खूबी है। लूना 25 मात्र 5 दिन में ही चांद पर लैंड करेगा। करीब 5 दिन तक ऑर्बिट में बिताने के बाद ये चांद पर उतरेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय करीब करीब एक ही होगा। लूना कुछ घंटे पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर लूना 24 उतार चुका है। विश्व में अब तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं वे चांद के भूमध्य रेखा पर पहुंचे हैं। लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।